कार्तिक पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालुओं ने शिवनाथ नदी पर आस्था की डुबकी लगाकर शिव मंदिर में जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर दुर्ग के शिवनाथ नदी स्थित महमरा एनिकेट पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर भगवान शिव की जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। इस मौके पर सुबह से ट्विन सिटी दुर्ग भिलाई से बड़ी संख्या में अपने परिवार के साथ शिवनाथ नदी पहुंच स्नान कर अपनी पूजा अर्चना किए लोगों ने। इस दौरान आज कार्तिक पूर्णिमा पर शिवनाथ तट पर लगे मेले में बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं इस पर्व को लोग पुण्य मेला भी कहते हैं। साथ ही सूरज निकलने से पहले स्नान व दीप दान को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। इसके साथ ही शिवनाथ नदी के अलावा शहर के विभिन्न तालाबों में भी देवों के नाम पर दीप दान किया गया। इस मौके पर स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कार्तिक पूर्णिमा को बहुत अच्छा लग रहा है। कार्तिक पूर्णिमा हम लोग गंगा जी नहाने आते हैं, गंगा माता का पूजा करते हैं, शिव भगवान का भी पूजा करते हैं। ये हम लोग का महापर्व है, छठ महापर्व है। छठ के बाद हम लोग कार्तिक पूर्णिमा नहाने आते हैं। ये छठ का ही भाग है। जितने लोग भी छठ करते हैं हम लोग आगे ऐसे सिंदूर, हमारा ये रीति रिवाज है, ऐसे हम लोग नाक से सिंदूर मांग तक भरते हैं। बहुत अच्छा लगता है, फुल एंजॉय, फैमिली साथ में टुगेदर सब मिलते ही जुलते हैं, परिवार वाले आपस में एक दूसरे से मेल मुलाकात, घूमना। कार्तिक पूर्णिमा वेरी इंजॉय टाइमिंग। कार्तिक पूर्णिमा को देव पूजा भी बोलते हैं। इसमें कार्तिक के दिन हम लोग 4 बजे भोर में ब्रह्म मुहूर्त में नहाते हैं, स्नान करते हैं, फिर दीप दान करते हैं, सूर्य जी का पूजा करते हैं, भोलेनाथ का पूजा करते हैं, और बहुत सारे यहाँ पे आके लोग परिवार आकर खाना वाना बनाते हैं और एक साथ मिलकर खाते पीते हैं। और ये बहुत अच्छा दिन होता है आज का कार्तिक पूर्णिमा, इसका बहुत महत्वपूर्ण महत्व है इसका। यहाँ हर मुराद पूरी होती है दीपदान करने से। और मैं आप एक चीज़ और सूचित करना चाहती हूँ, लोग अंधविश्वास बहुत है, जैसे कि जो भगवान है उनका ही पूजा चीज़ यहाँ पे खंडित मूर्तियाँ हैं उनका भी लोग पूजा कर देते हैं। अगर एक खंडित मूर्ति का पूजा कर रहा है तो अगला भी पूजा करने लगे। मैं किसी को विरोध नहीं कर रही हूँ, पर इस मूर्ति का देखना भी चाहिए कि क्या हमको पूजा करना चाहिए किनका नहीं, ये सब पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पाठ करते हैं तो पूर्णिमा के नहाते हैं, गंगा मैया का पूजा करते हैं और सब खुशियाँ मनाते हैं, सब खुशी मना कर खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सब करते हैं। सब लोग आते हैं, परिवार लोग आते हैं, सब भरल परिवार सब आते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।